क्या करेंगे इसका, ये इसलिए तो आपको दे रहे जब हाँ मैंने दुनिया भर का जो कचरा हो महाराज को दे, इसलिए आपको जितने फटे नोट हो मंदिर में दान कर दो। जब मैं घर से चला था इच्छा ली थी, इसलिए ली थी कि दोबारा जन्म नहीं होना चाहिए, इसलिए नहीं ली थी कि उस जन्म को मैं हैप्पी बर्थडे मनाती रहूं। इसलिए संन्यास किया जाता है, दिगंबर वेद इसलिए धारण किया जाता है, पीछे कमंडल इसलिए धारण किए जाते हैं। किसी आदमी को कैंसर हो गया और आप उसको अस्पताल में देखने जाओ तो क्या कहोगे, शुभकामना बहुत बहुत मुबारकबाद आपका ये कैंसर, और दुनिया भर के कैंसर भी तुम्हें ही लग जाए, ये व्यवस्था है क्या? पूजा में कहते जन्म जरा मृत्यु इस रोग है, क्या है जन्म, क्या है रोग है, जन्म जरा मृत्यु रोग विनाशना है ना, जन्म भी रोग है मृत्यु भी रोग है बुढ़ापा भी रोग है। अब इस रोग को तुम क्या कह रहे कि मुबारक हो मारा है, और रोग ये बढ़ता रहे, सोचिए तो विचार करिए, समझ ही नहीं आ रहा ये दुआएं है या बददुआएं। मैं तो कह रहा हूं भगवान मैं तो की संकट, और तुम कह रहे कि और बड़े संकट। जन्म को कभी महत्व नहीं दिया जाता, जन्म तो बीमारी है, जन्म तो रोग है, कैंसर के रोग का इलाज फिर भी आसान है, लेकिन जन्म मृत्यु के रोग का इलाज इतना आसान नहीं है। क्या दे रहा है तुम लोग मुझे शुभकामना बोल गणेश भाई, क्या दे रहे जन्म को शुभ बोल रहे हो, और भगवान इसको क्या बोल रहे हैं, तो बोल रहे हैं कि अशुभ बोल रहे हैं, बोलो अशुभ बोल रहे ना, तुम क्या बोल रहे भगवान के समर्थन में हो या विरोध में, ये फाइनल करो। हाँ वही सभी हो खराबी है, चाहे मनुष्य का हो देव का हो नारकी का हो कोई भी भाव प्राप्त हो, भाव किसी भी बीमारी किसी भी कारण से हो तो किसी भी रूप में हो बीमारी को बीमारी हो, या तो तुम इस जन्म को रोग नहीं समझ रहे हो, मंदिर में झूठ बोल रहे कि जन्म जरा मृत्यु नाशना है जलम निरपांति, तो मंदिर में क्या बोले जन्म जरा मृत्यु नाशना है जलम निरपांति स्वाहा, तो यहाँ क्या बोल रहे हो तुम जियो हजारों साल साल के दिन हो, क्या चाहे स्पष्ट है ही नहीं हमारे जीवन का उद्देश्य, किसी भी कीमत में जन्म अच्छा नहीं होता है, जन्म तो खराब ही होता है, किसी भी कीमत में बुढ़ापा अच्छा नहीं होता, किसी भी कीमत में मृत्यु अच्छी नहीं होती है, ये रोग है ये बीमारी है, इनका उपचार किया जाता है, इनकी शुभकामनाएं नहीं दी जाती है। शुभकामनाएं तब देना जब मैं जन्म मरण से छूट कर मोक्ष में जाकर के बैठ जाओ, तब कहना कि भगवान आपका जीवन सार्थक हुआ था, इति सार्थक जीवन। जन्म मरण की वीथियों में भटक रहे विचार, मरते समय दिगंबर जी जन्म लिया तब हुआ दिगंबर, मरते समय घोड़ी चल रही विचार। मैंने कहा था मैं अक्सर 11 तारीख को रुकता ही नहीं, मैं बिहार में ही रहता हूं, मुझे मालूम है कि सब बद्दुआ देने वाले इकट्ठे होंगे, बचो इनसे। एक ने भी नहीं कहा कि महाराज आपकी जन्म जरा मृत्यु का नाश हो जाए, नहीं हमारी सही सराय जो आई है वो भी तुम ले लो, हमने तो भोगों में लगा ली अब तुम ले लो, की है आज खुशी का दिन नहीं दुख का दिन है, दूसरों की बर्बादी में तुम्हें बहुत खुशी मिलती है, कोई हमारे लिए खुशी का दिन है, दूसरा बर्बाद हो तो आए क्या मजा आया, जन्म मरण कर रहा मजा आया, आदमी की नेचर ऐसे ही बन गया, यदि कोई चौराहे पे झगड़ा हो जाए एक बात का सिर नहीं फूटे, वो तुम देखने को दौड़ जाओ लोग पूछे क्या हुआ सिर नहीं, अरे यार मजा नहीं आता,
उससे नहीं टूटा, उसके भी मजा नहीं आया, दो चार के सिर फूट जाए, लक्ष्य बढ़ जाए, अस्पताल, अरे यार क्या झगड़ा होगा, मजा आ गया, एक्सीडेंट हो जाए, किसी की प्राण नहीं निकले, अरे कोई खास नहीं, चलो 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 मजा नहीं, अरे वो मर रहा है, मजा सबको चाहिए। नहीं, असली खुशी तो तभी होगी जब मेरा जन्मदिन नहीं, जब मेरा जन्म कल्याण मनाया जाए। वो लक्ष्य है, उसके लिए दीक्षा धारण की है, उसके लिए संन्यास लिया है, उसके लिए पिछली कमल धारण किए हैं। ये गृहस्थों के काम है जन्मदिन मनाना, साधुओं का काम नहीं है। और सच्चा भक्त वो नहीं होता जो ये कहता है कि आप हजारों साल जियो, सच्चा भक्त वो होता है जो कहता है आप मोक्ष को प्राप्त करो, आप कल्याण को प्राप्त करो। आप मुझे आहार किस लिए दे रहे, आप मेरी पूजा किस लिए कर रहे, आरती किस लिए उतार रहे, हैप्पी बर्थडे के लिए, मोक्ष के लिए, निर्वाण के लिए। विचार करिए आज के दिन वो आदमी को उत्सव नहीं मनाना चाहिए, आज के दिन तो आदमी को किसी शमशान में जाकर जलती हुई चिता देखना चाहिए। मोमबत्ती जलाने से जन्मदिन नहीं मनता है, जाकर के शमशान में जलती हुई चिता देखो और देखो कि जिस जन्म पे तुम अकड़ रहे हो, एक दिन धूम करके तुम्हें एक दिन इसमें जल जाना है। और ये 5 फीट का शरीर एक मुट्ठी राख से ज्यादा इसकी कोई औकात नहीं है। एक मन काटो, अर्थी देखो, मोमबत्ती मत जलाओ, दिए मत जलाओ, जलती हुई चिता को देखने का प्रयास करिए। और शायद जो शिक्षा मंदिरों से और गुरुओं से प्राप्त नहीं होती, वो शिक्षा एक जलती हुई चिता से आदमी प्राप्त हो जाती है। आदमी थोड़ी देर को रुक जाती है, भागती है दुनिया, किसी की अर्थी निकलती है, चिता देखो तो एक पल को मन शांत होता है, वो लगता है जिंदगी घर का कमाया साथ में क्या ले जाएगा, और इस धरा का इस धरा पे सब धरा, साथ में लाया सकता है साथ में। धन्यवाद, अपने रिकॉर्डिंग सही है, प्रवचन से मतलब नहीं लगा, अभी भी व्हाट्सएप पे डालते रहो, बोले तू सुधर जा, मैं तो सुधर नहीं। आदमी दूसरों को मोक्ष भेजने में लगा, खुद की चिंता ही नहीं। जीवन बहुत मेहनत से मिलता है, मैं आ रहा था एक शमशान घाट पड़ा, मुक्ति बोल मुक्ति धाम कहां का था, ये सब याद है, वहां दो लाइन पड़ी थी कि मंजिल तो यही थी, आते आते जिंदगी गुजर गई, मंजिल तो यही थी, आते आते जिंदगी गुजर गई। क्या किया हमने अपने जीवन में ऐसा, आज मैं कमरे में बैठा था, अभी जो लोग आए बड़े चिल्लाने लगे, प्रभुपद पावन में, अरे इतना शोर इतना शोर, ऐसा तूफान, बिल्कुल गुंडागर्दी की, दरवाजे खोलो चलो। मैं उस समय चिंतन में था, मैं सोच रहा था कि बताओ मुझे ऐसा क्या पाना है जिसके लिए मैं सब कुछ खो रहा हूं। आप विचार करिए, चिंतन करिए, आज चिंतन की सभा होना चाहिए, ये उत्सव महोत्सव की सभा नहीं होना चाहिए। आज बैठ के आदमी को चिंतन करना चाहिए कि जीवन में ऐसा क्या पाना है तुम्हें जिसके लिए सब कुछ दांव पर लगाने को तैयार हो, तुम्हें जन्म दांव पर लगाने को तैयार हो, तुम कमाई हुई दौलत दांव पर लगाने को तैयार हो, तुम इज्जत दांव पर लगाने को तैयार हो। वो जिस दिन अर्थी उठेगी उस दिन पूछना किसे पाने के लिए मैंने सब कुछ खो दिया, क्या चाहिए, बोलिए, रुपया पैसा धन दौलत मकान, ये डिग्रियां, ये पढ़ाई, ये लिखाई, जिस दिन एक झटका लगेगा ना मौत का, उस दिन सोचना कि सब इसके लिए बचूंगा, कुछ भी साथ में जाने वाला, छोटी सी जिंदगी,
इन चीजों में उलझा के हमने सब क्या इसका भी है। आज मोबाइलों में सामाजिक मुझे प्रयास चेक कर रही कि बच्चा बैठा है कुवैत से आज बोले महाराज मैं कुवैत में रहता हूँ व्हाट्सएप पे जब पढ़ता हूँ इस मुनि ने ये कहा उस मुनि ने वो कहा ये पंथ वो पंथ ये लड़ाई ये झगड़े बोले ऐसा लगता है कि मंदिर नहीं जाना चाहिए। विचार करिए क्या क्या चल रहा है मुनियों की भक्ति फाइट करने में लगे हुए एक दूसरे को तेरा पंथ हो बीस पंथ हो मेरा पंथ हो एक पंथ हो वो पंथ ये महाराज अच्छा वो महाराज खराब ऐसे में कोई आज का युवा भटक जाएगा कोई मंदिर नहीं आएगा ना क्या करेगा मंदिर जा बोले मैंने सारे ग्रुप बंद कर दिए हैं लेकिन लोग आते हैं कुवैत में रहता है मुसलमान ज्यादा रहते हैं वहां कर मुझे मोबाइल दिखाते हैं कि तुम्हारे जैन मुनियों में ऐसे झगड़े होते हैं 13 का झगड़ा 20 का झगड़ा श्वेतांबर का झगड़ा दिगंबर का झगड़ा हर आदमी हर महाराज अपने आप को अहंत साबित करने में लगा कि जो मैं कह रहा हूं वही सही है। हर विद्वान सोचता है जो हमने कह दिया वही धर्म है ऐसा लग रहा है कि बर्बाद गुलिस्ता करने को बस एक ही उल्लू काफी है वह हर साथ पे उल्लू बैठा हो अंजाम गुलिस्ता क्या सोचना है किन बातों की झगड़े आचरण कम है आग्रह ज्यादा है आचरण का कम है आग्रह ज्यादा है चर्चा चर्चा ज्यादा है चर्या कम है विचार करिए जीवन का धर्म कम है नाम का धर्म ज्यादा है क्या मिलेगा इस दुनिया से धर्म पर मिटने वाले बहुत हैं और कोई कहता हम अपने पंथ पे जान दे देंगे हम अपने धर्म पे जान दे देंगे धर्म पे मरने वालों की भीड़ लग रही है लेकिन धर्म पे जीने वाला तो दिखाई नहीं देता है आवश्यकता धर्म पर जीने वालों की है। मंदिरों में देख रहा हूँ हालात मुंबई है यहाँ 13 पंथ के मंदिर भी हैं 20 पंथ के मंदिर भी हैं सब जगह गुंडागर्दी और कुछ नहीं गुंडे हैं और डंडे हैं कुछ नहीं वो कह रहा ये मत करो वो कह रहा वो मत करो इससे अच्छा तो मैं उसे समझता हूँ जो आदमी लड़ता नहीं है अपने मंदिर नहीं आता हो जो समाज को लड़ाता नहीं वो सच्चा जैन हुआ करता है। कहते मंदिर आओ भी लगाओ और आओ सब आओ महाराज मंदिर आने का नियम दो वो यहाँ बुला के फिर झगड़ा लड़ाई लड़ने के लिए इकट्ठा करते हैं प्रतिष्ठा करके आए तेरा पंच से वही बात इतना क्या जाता इस मंदिर में आया 20 पंथ का बोर्ड लगा अच्छी बात लगाए अपना क्या लगाइए अपनी परंपरा में जियो कोई दिक्कत की बात नहीं है लेकिन एक सबक सीखिए 21वीं सदी में पढ़ा लिखा ये इंसान कि फूल और चावल पे झगड़े मत करिए जिसको चढ़ाना है वो चढ़ा और जिसको नहीं चढ़ाना है आधे घंटे की पूजा और 23.5 घंटे के झगड़े आधे घंटे की पूजा है बस आधे घंटे भी ये झगड़ने वाले लोग इनसे पूछो क्या ये मंदिरों में कितनी देर समय देते हैं विचार करिए 10 मिनट को आएंगे और 24 घंटे का झगड़ा दे करके चले जाएंगे मंदिरों में अशांति क्यों लड़ाइयां होती हैं शांति पाठ पढ़ते हो मन में आग लग रही है वो क्या चढ़ा रहा वो क्यों चढ़ा रहा वो ऐसा क्यों कर रहा वो ऐसा क्यों कर रहा ऐसा लग रहा है कि तुम दर्शन करने नहीं आते हो एक शिकायत का रजिस्टर लेके आते हो भगवान के पास कि आज उसने ये किया उसने वो किया इसका नाम धर्म नहीं बड़ी बड़ी दशा है पूरे देश वो कहते इस पंथ का महाराज नहीं वो कहते उस पंथ का महाराज नहीं मेरे से एक ने पूछा महाराज 13 पंथ से आप 4 कोप में प्रतिष्ठा करा के आए तो मैंने कहा तो पेट में क्या दर्द हो रही है करा के आया तो आया तो बोले आप वही मनी में रहे तो 20 पंथियों का मंदिर है मैंने कहा तेरे पेट में मरोड़ का है कूट रही मैं बोले आप तो कहीं भी चले जाते हैं अगर तुझे क्या प्रॉब्लम है ये बात है एक 13 पंथ है एक 20 पंथ है एक दिगंबर है एक श्वेतांबर है मेरे भाई कि दोनों ही एक दाया हाथ है और एक बाया हाथ अब बताइए ये दोनों ही हाथ दाएं हो या बाएं हो अपने हैं या पड़ोसी के हैं
भूलिए अब नहीं है ना। बताओ यदि आपसे कहूं कि आपके दो हाथ हैं, एक हाथ को काट के फेंक दो, कौन सा वाला कटवाएंगे, दायां या बायां? बोलो कौन सा कटवाना है, एक हटा दो कोई नहीं हटाओगे ना। जब दो हाथ रख सकते हो तो दो पंथ एक साथ धर्म ध्यान क्यों नहीं कर सकते हैं, धर्म को जीवन में क्यों नहीं जी सकते, जीना ही चाहिए। कुछ साधु संत भी इसी लफड़े में पड़े हुए हैं, वो धर्म कम करते हैं, पूजा पाठ में ज्यादा लगे हुए हैं, समाज को लड़ाना भिड़ाना जिनका उद्देश्य हुआ करता है। अरे मेरा धर्म तो वो धर्म है जहाँ शेर और गाय को एक घाट में बिठा करके पानी पिलाया जाता है, हमारा धर्म वो धर्म जहाँ सांप और नीला एक साथ अपना वैर भाव भूल जाते हैं, हम उस पंथ और उस धर्म के अनुयायी हैं। सोचिए इन परिणामों का क्या फल होगा तुम्हारे लिए। तो दौलत राम जी ने एक ही चीज लिख दी है जो लड़ाते भिड़ाते हैं, असुर भिड़ावे दुष्ट प्रचंड, छेठाला में लिखा असुर कुमार जाति के देव, जिनका काम क्या होता है समाज में झगड़े का। घर की लड़ाइयां मंदिरों में निकलती हैं, घर का द्वेष मंदिरों में निकलता है, जबकि होना ही चाहिए था कि घर की लड़ाइयां मंदिरों में आके शांत हो जाना चाहिए थे, घर का क्रोध मंदिरों में आके शांत हो जाना चाहिए था। ना चंदन फूल खुशबू खत्म हो गई, लड़ाइयां जाता है समाज में। यदि आपसे इतने ही मैं कहना चाहता हूं कि कुछ नापाक लोग तुम्हारे धर्म को तोड़ रहे हैं, जब सब तोड़ने में लगे हैं तो मैंने सोचा है कि अब मुझे भी जोड़ने का कुछ काम करना है। लोगों के हाथ में कैंची है, मेरे हाथ में सुई धागा, कैंची दो करती है कपड़ों को, सुई धागा एक करता है कपड़ों को, ध्यान रखना। सुई बनो कैंची नहीं। किसी दर्जी को देखना जब वो कपड़ा काटता है बैठ के जमीन पे, आजकल तो खड़े खड़े काटते हैं, वो भी महिलाएं भी खड़े खड़े रोटी बनाती हैं। एक से मैंने पूछा महिला से कि खड़े खड़े रोटी बनाती हो बैठ के नहीं बनाती हो, उसने ऐसा जवाब दिया महाराज तुम भी तो खड़े खड़े खाते हो, कमाल कर दिया नहीं तो तुम भी तो बैठ के नहीं खाते, हम भी खड़े खड़े बनाते हैं। इनका बहुत अच्छा जय हो पंचन, कौन मुंह लगे इनके भाई। जब एक से मैंने कह दिया भाई गंदे कपड़े पहन के मंदिर आया करो, बोले तुम तो इतने भी नहीं पहने करे क्या, बात तो सही है, बोले ढंग हम तो थोड़े बेढंग के पहने ही हैं, तुम्हारे पास तो बेढंग का भी कौन लगे इस पीढ़ी के तो विचार करना। तो दर्जी को देखना जो बैठ के कपड़े काटता है, तो ये बड़ी बड़ी महत्वपूर्ण चीज है। वह कैंची से कपड़े काटता है तो कैंची को पैर के पास रखता है, कहाँ रखता है, काट लेगा और कैंची कहाँ रखेगा, नीचे, और उसकी टोपी में सुई होती है, उसको टोपी में लगा के रखता है। मैंने दर्जी से पूछा कि दर्जी भाई कि कैंची नीचे क्यों और सुई ऊपर क्यों, ये तो बहुत छोटी है, वो वजनदार है। बोले इसकी औकात पैरों के लायक है, इसकी औकात सिर के लायक है। मैंने कहा क्यों, बोले इसलिए ये कपड़े को काटती है और ये कपड़े को जो जोड़ता है वो ऊपर उठता है, और जो तोड़ता है वो समाज में रिचाइयों को प्राप्त होकर के बड़े बनने का प्रयास मत करो। हम बहुत बड़े, हम बहुत बड़े, जो बड़े वो बिल्कुल सड़े, ये कभी आए अरे तो बहुत बड़े महाराज, ये तो राष्ट्र संत और ये संत और वे संत, काय का बड़ा महाराज, हाथ दो है, आंख दो है, कान दो है, पैर दो है, काय का बड़ा महाराज, खाता एक टाइम, छोटे महाराज क्या करते हो, दो टाइम खाते हो, इनके हाथ पैर कुछ कम है, क्या बड़ा और क्या छोटा, ना कोई बड़ा होता है ना कोई, ध्यान रखना, ना कोई उम्र से बड़ा होता है ना ध्यान से बड़ा होता है, दुनिया में जो वो बड़ा होता है जिसके पास बड़प्पन हुआ करता है, और जिसके पास बड़प्पन नहीं है वो बड़ा होता भी दुनिया में बहुत छोटा। एक बार क्या हुआ कि वो एक मंदिर में एक घंटा और एक घंटी, तो घंटा अपने को बहुत बड़ा समझता, बिचारी घंटी छोटी सी,
बड़ी दुखी हुई कि महाराज मैं छोटी सी घंटी, इतना बड़ा घंटा, मैं छोटी सी घंटी, मैं बड़ी दुखी है, मुझे बड़ा बना दो, इनका बिल्कुल बड़ा मत बनना। बोले क्यों? इनका जो बड़ा होता है वो घंटा एक तो डंडे से पिटता है, घंटी कभी नहीं पिटती, घंटी का स्वर भीतर का हुआ करता है और घंटी की चीख हुआ करती है, उस पर डंडा पड़ता है, हथौड़े पड़ते हैं डंडे पर। बड़ा मत बनना, मैंने कहा जो बड़ा होता है वो घंटा मंदिर के दरवाजे पे लटकता है, वो जो छोटी होती है वो भगवान के पास पहुंच जाया करती है। छोटा घंटी भगवान के पास जाती है, आरती में घंटा वो तो दूर से ही पिटता रहता है। तो ध्यान रखिए, ना बड़ा, ना कोई बड़ा, ना कोई छोटा, इन सब बातों को विराम दीजिए। ना कोई बड़े महाराज होते, ना कोई छोटे महाराज, ये तो अपनी अपनी स्टाइल होती है, कौन किस स्टाइल में जीता है। और हम बड़े तो तब होंगे जिस दिन बड़े बाबा बन जाएंगे, और जब तक बड़े बाबा नहीं बने तब तक हमें तो तुमको भी अपने से बड़ा और छोटा नहीं मानता। रावत भी बड़ा नहीं होता, मुनि भी बड़ा नहीं होता। अरे मैं दो कदम आगे चल रहा हूँ, तुम दो कदम पीछे चल रहे हो, इसमें बड़े छोटे की क्या बात है। मोक्ष मार्ग तुम्हारा भी है और मोक्ष मार्ग हमारा भी है। मैं तो किसी को कहते ही नहीं कि तुम मुझे अपना गुरु बनाओ, भूल के भी नहीं बनाना, बहुत सारे महाराज उनको पकड़ लेना चाहिए, मुझे गुरु गुरु बनाने की जरूरत नहीं। अभी तो मैं खुद ही गुरु नहीं बना, अभी तो मैं खुद ही पुष्पन सागर का शिष्य बना हुआ हूँ, और जब तक शिष्य बना हूँ तब तक किसी का गुरु बनने की जरूरत नहीं हुआ करती है। मैं तो आपसे कहता हूँ कि न मेरे चेले बनो, न मेरे शिष्य बनो, मैं तो आपसे इतना ही आग्रह करता हूँ, जीवन का कल्याण और उद्धार करना है तो न महाराज बात लाओ कि हम इस महाराज के चेले, हम उस महाराज के चेले, ये लाओ कि हम जिनेन्द्र भगवान के उपासक हैं, देव सात गुरु के अनुयायी हैं, तो हमारा जीना सार्थक होगा। मुझसे मोक्ष की कोई उम्मीद मत रखना कि मैं तुम्हें दे दूंगा, कितने भी चढ़ाओ ये मोक्ष फल हमारे ही जुगाड़ नहीं, तुमको कहां से दे देगा। मोक्ष फल प्राप्त आए फल हमने पान की सामने देख रहे, जो दशा तुम्हारी वही दशा तुम्हारी। मोक्ष तो भगवान की भक्ति से मिला करता है, लेकिन हाँ मैं तुम्हें यही आग्रह कर रहा हूँ कि बहुत प्रेम से जियो, बहुत प्रेम से रहो। 10 पूजा की जगह 1 पूजा कर लो, लेकिन लड़ाई झगड़े मत करिए, ध्यान रखिए। 1000 दीपक जलाने की बजाय 1 दीपक जला लीजिए, लेकिन किसी का दिल जलाने का दुष्प्रयास मत करिए। खाली भगवत की पूजन चाहिए, पूजन की सामग्री चढ़ाने की अपेक्षा वेद मुट्ठी चावल चढ़ा देना, लेकिन किसी भूखे की थाली में भोजन जरूर पहुंचाना, तो तुम्हारा जीना सार्थक होगा। मंदिर का चंदन माथे पे खींच सको या ना खींच सको, किसी के जख्म पे मलहम जरूर लगाना, और मैं विश्वास दिलाता हूँ कि चंदन से वो शीतलता नहीं मिलेगी जो किसी के जख्मों पे मलहम लगाने से शीतलता प्राप्त हुआ करती है। ऐसा प्रयास करिए, कुछ नहीं होता है कि दो दो थाली भर भर के चढ़ाए जा रहे, क्या हुआ? जिस भगवान को चाहिए नहीं उसे चढ़ा रहे, जिसे चाहिए वो भूखा मर रहा है। विचार कर, आदमी को रहने को एक बेडरूम और एक किचन है, भगवान को इतना बड़ा बना रखे से जरूरत ही नहीं। बनाइए, भगवान की आवश्यकता नहीं, ये तुम्हारी आवश्यकता है। दान भगवान के नाम से आता है, हवा अपन देते हैं। विचार करिए, शांति धारा का पैसा आता है, कमरे अपने तैयार करते हैं, वही बात नहीं। ये व्यवस्थाएं हैं, मैं इसका विरोध नहीं कर रहा, चलो और बड़ा मंदिर बनाओ, लेकिन जितना बड़ा मंदिर है उतना बड़ा हमारा दिल भी होना चाहिए। ऐसा ना हो कि मंदिर बड़े दिल छोटा, मकान बड़े आदमी बोना, कोई प्यासा आ जाए तो एक गिलास पानी भी तुम्हारे घर में मौजूद ना हो। नहीं तो एक बार ऐसे ही हुआ, एक भिखारी सुबह सुबह भीख मांगने आ गया, सेठ जी बाहर बैठे हुए थे, भिखारी ने कहा सेठ जी कुछ दे दो, बड़ा भूखा हूँ। सेठ जी ने कहा यार तुझे कोई काम नहीं, सुबह सुबह 7 बजे आ गया, रोटी कहाँ से दूँ तुझे, नहीं है अभी रोटी। तो बोले सेठ जी एक गिलास ठंडा पानी पिला दो, बोले वो भी नहीं है। तो बोले सेठ जी फटे पुराने कपड़े दे दो, बोले वो भी नहीं है। बोले रुपया 2 रुपया दे दो, बोले वो भी नहीं है। तो भिखारी ने कहा
पास कुछ नहीं है तो पकड़ कटोरा और चल मेरे साथ। मैं अपने दोस्त से पेट काएगा, तेरे पास कुछ है ही नहीं, कपड़ा नहीं, पानी नहीं, रोटी नहीं, कुछ नहीं है तेरे पास, तो यहाँ गाय को बैठा है, कटर कटोरा पकड़, शाम तक कुछ ना कुछ मिल जाएगा। क्या लगा तो आदमी प्रवृत्तियों को देखिए, अपने मन को पढ़ने का प्रयास करिए, अपनी भावनाओं को पढ़ने का प्रयास करिए, हम किन भावनाओं में, किस प्रवृत्तियों में हम जीते हैं, क्या लगाती है। मेरा विश्वास हम स्थानों पर तो अपने जीवन पे ज्यादा कहता हूं कि आप 2 घंटे स्वाध्याय ना कर पाओ कोई बात नहीं, कोई दिक्कत की बात नहीं, लेकिन 2 घंटे शांति से बैठे रहो, इससे बड़ा स्वाध्याय जीवन में कोई दूसरा नहीं हुआ करता है। एक घड़ी की माला ना फेर सको कोई बात नहीं, मन फेरिए, लेकिन अपने मन को फिराने का प्रयास जरूर करिए। मंत्र गलत हो जाए चिंता मत करना, मन गलत नहीं होना चाहिए। यदि मन सही है और मंत्र गलत है तो आड़म ताड़म कह के भी बेड़ा पार हो जाया करता है और मरा मरा कहकर कोई वाल्मीकि बन जाया करता है। भगवान को कोई व्याकरण नहीं चाहिए कि वह शुद्ध बोलो तभी भगवान खुश होंगे, भगवान को कुछ नहीं चाहिए। हमारे बाबा जी हैं, स्वाध्याय करते हैं, पढ़ते हैं, नहीं आता कुछ पढ़ने, महाराज ये बताओ, इनका टेंशन मत लो बाबा जी, तुम तो पढ़े जाओ, सही गलत के लफड़े में मत पढ़ो, नहीं आ रहा समझ में तो भगवान के सामने किताब रखते हैं ना कि भगवान मैं तो पढ़ा लिखा नहीं है, तू तो पढ़ा लिखा, तू पढ़ ले, मुझे काय को परेशान कर, मेरे मुंह से काय को सुन रहा, तू पढ़ ले भैया इसमें क्या लिखा, और जो लिखा वो हमारा है नहीं, वो दूसरे का चुराया हुआ है। आपसे निवेदन है एक काम जरूर करना, जी मन को पवित्र करना है, वचन को पवित्र करना है, काया को पवित्र करना है, बहुत हो गया उधर चंदन कंदुल फंदुल, एक बोलता चार चिल्लाने लगते हैं, तो खड़े होकर पूछा जाए कि उधर चंदन होता क्या है, तो यहाँ वहां मुंह देखने लगते उधर चंदन क्या है। ध्यान रखिए एक बात आपसे निवेदन, बड़ी गौर से ध्यान करना कि जितने भी स्त्रोत रचे हो, चाहे भक्तामर स्त्रोत हो, चाहे विशापाहार स्त्रोत हो, चाहे एक ही भाव स्त्रोत हो, चाहे नमकार मंत्र हो, इनका फल उन्हें ही मिला है जिनने इसे बनाया है। भक्तामर के 48 काव्य रचे गए, 48 ताले खुल गए। आपसे मैं कहता हूँ रोज भक्तामर पढ़ती होंगी महिलाएं, कभी गाड़ी की चाबी गुम जाए तो पढ़ना भक्तामर प्रणत मोदी मणि प्रवाणा मुद्योते कम दर्गे, खुल जाएगा फट से अपने आप, बैठना आगे बढ़ जाना। अरे ताला टूटने की बात तो छोड़ो, 24 घंटे में 48 घंटे में भक्तामर पढ़ना, एक कुंडी भी खुल जाए तो मुझसे आगे जाना, कुछ नहीं मानता। ध्यान रखिए इसका मतलब ये नहीं कि कल से तुम भक्तामर पढ़ना छोड़ दो, यदि तुमको ये बातें जल्दी याद होती है ना कि यार छोड़ो महाराज के खाल तुझे ताला खुलना ही नहीं है, भक्तामर से ताला खुल जाता तो सारे चोर फटाफट भक्तामर तो चोर भी पढ़ सकता है, क्या दिक्कत है, जवंजन चोर नमोकार पढ़ सकता है तो मुंबई के चोर भक्तामर क्यों नहीं पढ़ सकते, विचार पढ़ सकते हैं। लेकिन मेरे कहने का मतलब ये है कि ऐसा नहीं है कि भक्तामर में कोई शक्ति नहीं है, लेकिन सब स्त्रोतों का फल उन्हें ही मिला है जिन्होंने इसे रचा है। ध्यान रखिए हम केवल कॉपी करते हैं, नकल मारते हैं, फोटोस्टेट करते हैं, जेरॉक्स कराते हैं, जो उनने किया वही हम करेंगे। अनुराधा पौडवाल ने गाया बड़ा मीठा भक्तामर, तो जाकर मैं सोचता हूँ कितना मीठा खंड से तो मान तुम भी नहीं गा पाए होंगे, मैं जितना अच्छा अनुराधा पौडवाल ने गाया सुनो तो मन तृप्त हो जाता है, इतनी अच्छी आवाज तो मान तुम गाचा की भी नहीं होगी, लेकिन अनुराधा पौडवाल कितने भी अच्छे से गा ले, लता मंगेशकर भी भक्तामर को गा ले, एक भी कुंडी नहीं खुलेगी, और मान तुम गा ले तो 48 ताले खुल जाया करते हैं, बेड़ियां खुल जाया करती हैं। ऐसा क्यों होता है, इतना मीठा कंठ मान तुम का भी नहीं होगा, लेकिन इसलिए होता है कि जब मान तुम गाते हैं तो प्रार्थना प्राणों से हुआ करती है, और अनुराधा जब गाती है तो जुबान से हुआ करती है, वह हृदय से प्रार्थना नहीं हुआ करती है। आज से जितने युवा युवती यहाँ ज्यादा दिखाई दे रहे हैं, मैं तो सोच रहा था पुरानी बंबई में कि बंबई बूढ़ी हो गई है क्योंकि बच्चे दिखाई नहीं देते,
लेकिन नई बंबई में मुझे लगा कि हाँ यहाँ तो जवानी अभी भी मौजूद है, जवान लोग यहाँ दिखाई दे रहे हैं। तो जब मंदिरों में जवान जाना बंद कर दें तो समझना मंदिर बूढ़ा हो गया, तो मंदिरों में यदि जवानों की भीड़ लग जाए तो मंदिरों में जवानी वापस कर। एक ही चीज कहूंगा, नहीं होते यार कोई बात नहीं है, घर में बैठे रहो, कहीं भी रहो, पेन कागज उठाओ, सुबह से शाम में क्या अपने भगवान के लिए चार लाइन लिख सकते हो? चार उधर चंदन नहीं बोलो चलेगा, मत बोलो 2400 के लिए चंद्रयान, वो तो लिख गए गाने प्राय हो गए, अब कहां गया गाने प्राय भगवान जाने, उसके चक्कर में अपन क्यों पड़े हुए। पन्ना लाल विनती करे दे माता मैया, अब पन्ना ही लाल करते रहेगा तो तुम धन्ना लाल कब करोगे बताइए, पन्ना लाल के पीछे पड़े हो रात में। जुगल किशोर ने लिखी मेरी भावना, तुम बड़े दावे से कहते मेरी भावना, तुम्हारी कहां है तो उसकी भावना। विचार करिए आज का संदेश इतनी है, सब युवा महिलाएं बहुएं जो भी यहाँ बैठे हैं, चार लाइन भगवान पर प्रतिदिन लिखा करो, एक खत लिखा करो, एक चिट्ठी लिखा करो भगवान के नाम। कोई जरूरी नहीं कि भगवान को काव्य पसंद है, 5 मिनट का समय मिले एक चिट्ठी लिखना कि भगवान सुबह से शाम आज मेरे से ये पाप हुआ, ये गलती हुई है, हे भगवान आशीर्वाद दे, मैं इसे सुधारने का प्रयास करूं, जीवन को बदलने का प्रयास करूं। मंदिर की चिनवाणी उठाकर रख के भगवान को सुना के आ जाते हो, जैसे भगवान को पढ़ना लिखना नहीं आता हो, है उनको भी मालूम है कि पंकज व्याकुल भया तू तो व्याकुल अभी तक नहीं भया, है मैटो मैटो जी संकट हमारा। विचार करिए, आप सोचिए, दो लाइन लिखिए, इतने लिखो कि हे भगवान मैंने मानव जन्म मिला, तेरे वंश में जन्म हुआ, मैंने कुछ नहीं किया, मजे में आ रहा, आज मैं ये करूंगा। एक डायरी बनाओ, उससे बड़ी ना पूजा है, ना स्त्रोत है, ना भक्ति है, भगवान के नाम की चार लाइन तो आप लिख सकते हैं, लेकिन प्लीज व्हाट्सएप से कविताएं चुरा के मत लिखना, नहीं तो आजकल ऐसे ऐसे कवि बन गए उसमें से पढ़ पढ़ के चार लाइन बोल के चले जाते हैं। विचार करो, अपनी लिखिए, कविता ना लिख सको, स्तुति ना लिख सको, भजन ना लिख सको, चार शब्द ईश्वर के नाम लिखो। मैं विश्वास दिलाता हूं जो व्यक्ति ये काम शुरू करेगा, जिस समय आप लिखेंगे ना, उदक चंदन पढ़ते समय तो मन बाहर जा सकता है, निगाहें यहाँ वहां जा सकती है, बोल कुछ रहे हो कुछ रहा, ध्यान कन्हैया जाप कन्हैया तो ध्यान बनैया का चल सकता है, लेकिन जब आप अपने हाथ से लिखेंगे ना तो मन भी वही रहेगा, वचन भी वही रहेगा, और शरीर भी भगवान का गुणगान करेगा। वो जहाँ तीनों एक हो जाते हैं उसका नाम भक्ति होती है, उसका नाम आराधना हुआ करती है। लिखिए, कोई भगवान को अच्छे शब्द नहीं चाहिए, कोई भगवान को साहित्य भाषा नहीं चाहिए। मीरा क्या करती थी, रोज एक कन्हैया के नाम का भजन लिखा। एक बार बता के समाप्त करता हूँ, 10:30 बज गए, बाकी पेट का सवाल है, तुम कमाओ हम खाएं, इसी से हम माला माल। विचार करिए, ग्वालियर में क्या यहाँ से निकली रास्ते से, उसने पूछा कि जैन साधु के प्रवचन चल रहे हैं, मैं सुन सकती हूँ? समाज ने कहा आइए बैठिए, पीछे बैठी मुझे पता ही नहीं। प्रवचन के बाद में हम एक कक्ष में गया तो उस महिला ने समाज के लोगों से कहा कि महाराज के कक्ष में मैं जा सकती हूँ 5 मिनट? हमने कहा जाइए दर्शन करिए। आकर के पीछे कोने में बैठ गई, झरझर आंसू उसकी आंख से, मैंने देखा नहीं, रोती रही, मेरी निगाह पड़ी, मैंने कहा रोती क्यों? तो और जोर से रोने लगी, तो मैंने कहा बात क्या? बोली गुरुदेव आज मेरी जिंदगी की तमन्ना पूरी हो गई। मैंने कहा क्या पूरी हो? बोले मैं 12 ज्योतिर्लिंग के दर्शन को गई, शिव जी के दर्शन को गई, ओंकारेश्वर गई, त्र्यंबकेश्वर गई, रामेश्वर गई, सब जगह गई, मुझे शिव नहीं मिले। मैं तलाश में थी भगवान के, और एक दिन रात्रि को 12 बजे शिव मेरे सपने में आए और उन्होंने कहा कि तू ये तलाश बंद कर, अब तू शिव को मत ढूंढ, एक दिन कोई नग्न वेशधारी तेरे दर पे अपने आप चल करके आएगा और वह तेरा उद्धार करेगा। वो सपना मुझे आज याद आता है कि नग्न वेशधारी, मैं तो हिंदू हूं, मेरे दर पे नग्न वेशधारी क्यों आएगा? राजा का प्रवचन मेरे घर के सामने हो रहा है, बस गुरुदेव मुझे
ज्ञान मिल गया, बोध मिल गई। मैंने कहा क्या करोगी? बोले बस एक भजन आपके नाम का रोज लिखो। क्या बोली? एक भजन आपके नाम का। उसने कहा महाराज मुझसे मेरा नाम नहीं पूछना, मेरा एड्रेस मत पूछना, मेरा फोन नंबर मत पूछना, मेरा मोहल्ला भी नहीं पूछना। और आज 12 साल हो गए, आज तक मुझे उस महिला का नाम नहीं मालूम, एड्रेस नहीं मालूम, फोन नंबर नहीं मालूम। और मैं वहां चातुर्मास किया, बोले अब मैं दोबारा कभी आऊंगी भी नहीं आपके पास। तो मैंने कहा गजब भक्त, बोले अब कभी दोबारा नहीं आऊंगी इस जीवन में। तो मैंने कहा फिर क्या करोगी? बोले बस मैं वो मीरा हूं जिसके पास कृष्ण कभी नहीं आए, वही भजन लिखती रही और बेड़ा पार करती रही अपना। मैं प्रतिदिन एक भजन लिखूंगी आपके नाम का, लेकिन कभी आपके सामने आज तक इन 12 वर्षों में मेरा दोबारा चातुर्मास हो गया ग्वालियर, वो महिला मुझे आज तक नहीं मिली। लेकिन मैं मुंबई वालों को उनको विश्वास दिलाता हूँ कि शायद वो मिल जाती तो मैं भूल जाता, वो नहीं मिली तो मुझे आज भी याद है। ना उसका नाम है, ना उसका पता है, ना उसका ठिकाना है। उसकी चर्चा मैं प्रवचनों में जरूर करता हूँ। ऐसे भी भक्त होते हैं दुनिया में, और ऐसे भी भक्त होते हैं कि जब तक सूरज चांद रहेगा, मुनियों का सम्मान रहेगा। और भीड़ ने एक धक्का दिया महाराज को, साइड हो गए महाराज। मैंने कही कर क्या लिया? बोले सॉरी महाराज, मैं इनका भी नारा लगा रहा, मुनियों का सम्मान रहेगा, धक्का भी मार दिया। ऐसे भी लोग दुनिया में, ऐसी भक्ति करो जीवन सार्थक होगा, सफल होगा। तो बोलो जन्मदिन की शुभकामना, बोल सकते हो? नहीं, ये बहुत बड़ी बात हुआ है, जन्मदिन की शुभकामनाएं। ये बोलो कि महाराज जन्म कल्याण की शुभकामनाएं, आपका जन्म कल्याण में लगे, मोक्ष मार्ग में लगे हैं, एक दिन आप अपने लक्ष्य को प्राप्त करें। और फिर तुम बोलो या नहीं बोलो कोई फर्क नहीं पड़ता है, जो मुझे मिलना है वो तो मुझे तुम्हारी प्रार्थना में इतनी ताकत क्या है कि मुझे मोक्ष दिला दे। तुम्हारी प्रार्थना में प्रार्थना, यदि तुम्हारी प्रार्थना में ताकत है तो मैं तुमको कह रहा हूँ जाओ भगवान से कहना कि ला देना को नरक से बाहर निकाल निकाल सकते, बोलना जाके रावण को बाहर निकाल दो नरक से, तुम्हारी तो इतनी प्रार्थना भी नहीं सुनी जाती। जब तुम नरक से किसी को निकाल नहीं सकते तो बुलंदशहर को मोक्ष कहां से भेज दोगे? विचार करिए। मैं कोई नहीं, मैं तो अपने यही कहता हूँ, आज जन्मदिन है, जब मेरा अंतिम दिन भी आ जाए तो मैंने पूरे हिंदुस्तान में सबसे कह रखा है कि मेरी ना श्रद्धांजलि रखना, ना मेरी शांति का प्रस्ताव रखना, ना ये कहना कि भगवान महाराज की आत्मा को शांति दे, क्योंकि मुझे तुम्हारी प्रार्थनाओं पे रक्ति फल विश्वास नहीं है। बिल्कुल मत करना, मैं अपने शांति की व्यवस्था खुद करके जाऊंगा, और जो जीते जी शांति प्राप्त कर लेता है उसे लोगों की प्रार्थनाओं की कोई आवश्यकता नहीं करा सकती। मैं अपने स्वर्ग मोक्ष की व्यवस्था खुद करके जाऊंगा, तुम्हारी प्रार्थनाएं तुम्हारे तर्कों से मुझे कोई मतलब नहीं है। आप भी अपने जीवन में ऐसा करें कि मरने के बाद कोई सुख सभा की जरूरत नहीं, हम अपने सिद्धालय की व्यवस्था खुद करके दुनिया से विदा होंगे। एक दूसरों की प्रार्थनाओं से कुछ नहीं होता। आप सबने सुना, अनुग्रहित हूं, और आप सबकी श्रद्धा भक्ति को देख के बहुत प्रसन्न हूँ, बहुत खुश हुआ, मजा आ गया कि तुमने श्रद्धा भक्ति की। इसलिए मजा नहीं आया कि तुमने मेरी की, इसलिए मजा आया कि तुमने महावीर की मुद्रा की वंदना की, महावीर के भेष की वंदना की। क्या औकात कि कोई उसका सम्मान करे, क्या औकात कि लोग उसके पैर पड़े हाथ जोड़े, कि तुम मेरे हाथ नहीं जोड़ रहे हो, मैंने ऋषभ देव का भेष धारण किया, उसकी आरती उतार रहे, उसकी पूजा कर रहे। और जब भी कोई मुझे नारियल चढ़ाता है, सिर झुकाता है, तो मैं इस गलतफहमी में नहीं रहता कि मुझे झुका रहा है, मैं भगवान को इशारा करता हूँ, एक चेला और आया तेरा आशीर्वाद प्रदान कर, ये मुझे प्रणाम नहीं कर रहा, मेरे बहाने तुझे प्रणाम कर रहा है, भगवान की भक्ति कर रहे। आप सबने सुना कल सुबह वाली गाड़ी से न लेके जाएंगे और न देके नहीं, कितने बेईमान, ये दे नहीं रहा हूं तो क्या कर रहा हूं, लूंगा भी अभी जाके, वो खड़ी है सब बेनिया, समझ में आ रहा।
तो एक दिन का प्रवचन और एक दिन का आधा हिसाब पर ज्यादा का लफड़ा नहीं कर्ज यही समाप्त हुआ। तुमने लिया हमने दिया, हमने लिया तुमने दिया, आप सबका। दोबारा यदि कभी इस तरह पाने का अवसर मिला तो मैं इस क्षेत्र में अधिक समय देने का प्रयास करूंगा। बुलाओगे तो भी दूंगा समय, नहीं बुलाओगे साधु तुम्हारे 5 रुपए की नरियल से बधा है क्या यार? नरियल नहीं चढ़ाओ तो नहीं आएंगे। अभी कोई तत्काल का टिकट है क्या? है मंदिर किसका है बोलो? देवसाज गुरु का है कि नहीं बोलो? किसका मंदिर? देवसाज गुरु का। अब यहाँ परमिशन की क्या जरूरत है? हम तो कभी भी आए हो कभी भी जाए। ध्यान रखिए सगोई साधु किसी नरियल से नहीं बनता है। ये तो आज की व्यवस्था बना ली है कि नरियल चढ़ाओ तो आएंगे नहीं तो नहीं आएंगे। हमेशा थोड़ी कोई टिकट विकेट थोड़ी बनवाएंगे, तो ऑनलाइन चला करो। सुना जय जवानी के ज्ञान से तुझे लौटा लो सो आई मस्त।